या आज का बैठक मंजा सिंह वरिष्ठ पत्रकारों के सानिध्य में इस क्लब का गठन होना है, जिसमें परिचय के क्रम में मंच के बाई तरफ वरिष्ठ पत्रकार आए संतोष पत्रकार श्री चंद्रप्रकाश पांडे जी, हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र के जिला प्रभारी आदरणीय श्री वाचस्पत मिश्र जी, अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र के जिला प्रभारी आदरणीय श्री राहुल श्रीवास्तव जी और सहारा दैनिक समाचार पत्र के जिला प्रभारी इस क्लब के संरक्षक आदरणीय श्री रामपुरा शंकर राव जी, श्री रावि शुक्ला जी, श्री रावि शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार श्री राम प्रताप सिंह जी, श्री विशेश्वर मिश्र जी, श्री मोहन मिश्र जी, आप दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं श्री मोहन मिश्र जी, आप लोगों के विभिन्न सानिध्य में प्रेस क्लब का गठन देवरिया में होना है। आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य क्लब के गठन पे आपके विचार आमंत्रित किए जाएंगे, बाकी विशेष कोई चर्चा नहीं होगी। जैसा कि विशेष है, मैं आप सभी लोगों का विचार आमंत्रित करते हुए चंद कंपनियों के साथ आप सभी लोगों का विचार आमंत्रित करता हूँ। न होगा कि ये सब कुछ घटनाएं तय करेगी कहाँ बसती है हवाएं। हमारी परवरिश आबो हवा अपनी जगह है, हमारी परवरिश आबो हवा अपनी जगह है, लेकिन इस देश पर की अंतर्राष्ट्रीय उम्र कितनी होगी आपकी सुनाई है। ये मीडिया कब तक बनेगी छापों की बंधा, इन्हें कब करना क्या है, कब तक सभाएं तय करेगी। इस संकल्पना को साकार करते हुए आप सभी श्रेष्ठ जनों आभार प्रकट करते आप सभी का विचार आमंत्रित करता हूँ। आप अपनी स्वेच्छा से आए और इस गठन में अपना विचार प्रस्तुत करें, आप सभी इसका आदर आमंत्रित है। ये जो बैठक है हमारे से ये जो बैठक है मुझे पिछड़ा रहा जी तब तक पूरा कैप्चर कर लीजिए। अब भैया चलना के रहती जम जा हम ये नहीं चल के रहती जा मैं चाहता हूँ कि प्रेस क्लब का घोषणा कार्यालय में एक तो सभी लोगों की जो राय लेकर के बने, सभी लोगों की जो है जानकारी हो और पारदर्शी तरीके से इसका गठन हो, चुनाव या जो भी सब संबंध चुनाव हो या करना हो पारदर्शी तरीके से, और जो उसमें इसके पदाधिकारी बने सभी आयु के सदस्यों ने जो है अधिकार है और उनको साथ लेकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद शैले जी। इधर तो सवालों का बोझ रखा है, इधर से कुछ है कोई भी हम हो नुमाइश जरूरी है।